हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास सेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से फिर देखें, आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से आराम से समझाया जाए, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी में मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, आपको भी समझ में ना आए तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए आपने मेरी जितनी भी वीडियो देखी होगी बहुत ही आराम से बनाई हुई वीडियो है, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो ये सोच के बना रहा हूँ कि इसको 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल लो लेवल के बच्चे होते हैं जो स्टडी में। हालांकि इन जो मेरी वीडियोज़ हैं इनको टीचर्स भी देखते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, तो हर जो व्यूअर है उनको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट परंतु वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। प्रूफ प्रूफ क्या होता है? सबूत। सबूत की आवश्यकता कहाँ थी? नीड आवश्यकता। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर। वह स्वयं ही पूर्ण रूप से सचेत था, दैट की अवेयर, वो जानकार था। ही हैड नॉट बीन टू रांची, कि वो रांची नहीं गया था। एंड दैट वॉज दैट, और यही तो है, वो यही चीज़ है, दैट वॉज दैट, मतलब इसके अलावा और कुछ है नहीं कि वो रांची नहीं गया, मतलब नहीं गया, दैट्स ऑल। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रशिंग, जो नदी की जो हवा थी वॉज ब्रशिंग, वो सिकोड़ रही थी, समेट रही थी। एंड और येट ए स्लाइट डिसकम्फर्ट। डिसकम्फर्ट क्या होता है? असुविधा, पीड़ा, थोड़ा सा कष्ट, फिर भी एक थोड़ी सी पीड़ा, थोड़ा सा कष्ट लिंगर्ड इन बेपिन बाबूज माइंड। बेपिन बाबू के माइंड में लिंगर कर रहा था। लिंगर क्या होता है? रुका रहना, रुका हुआ था। किस तरह से रुका हुआ, मैं आपको बताता हूँ। लिंगर मतलब कोई चीज़ को अब पड़े हुए हैं, उसके बाद भी वो चीज़ उसके अंदर है, यानी कि रिमेन प्रेजेंट ऑल दो डाइंग। क्लियर? उसके अंदर पड़े रहना, कि जो थोड़ी सी जो पीड़ा है वो विपिन बाबू के दिमाग में पड़ी हुई थी। अराउंड हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स, हेस्टिंग क्या होता है? जो इस तरह के जो एक्शन हो रहे हैं, मोशन हो रही है, मोमेंट हो रही है दिमाग में, जो भी है उसका एक के बाद एक रैपिडिटी, मतलब एक के बाद एक जो एक्शन है उसको बोलते हैं हेस्टिंग्स। अराउंड हेस्टिंग, एक के बाद एक जो एक्शन हो रहा है उसके दौरान बेपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर। बेपिन बाबू ने निर्णय लिया टू रोल अप हिज ट्राउजर, उसका जो ट्राउजर था, जो पैंट थी, उसको ऊपर की तरफ गोल करने की, यानी कि उसने अपनी जो ट्राउजर है वो ऊपर की तरफ की। एंड टू के लुक, और एक देखा एट हिज राइट नी, उसके दाहिने घुटने पर उसने देखा, मतलब उसने जो उसका पैंट थी उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया, रोल किया, और उसने जो घुटना था, राइट घुटना, उसके ऊपर देखा। देर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पे एक पुराना इंच लंबा जो कट था उसका निशान था, मार्क निशान। इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू टेल बताना, यह बताना असंभव था कि व्हेन द इंजरी हैड ऑक्यूर्ड, इंजरी चोट, कि वो चोट हैड ऑक्यूर्ड कब हुई। क्लियर? देखो ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, उसने राइट जो ट्राउजर था उसकी राइट साइड से उसको रोल किया, उस राइट नी पे उसने देखा। क्लियर? हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय, क्यों वह कभी नहीं गिरा हो,
एज ए बॉय जब वो एक बच्चा था क्या वो तब नहीं गिरा, यानी कि उसके मन में आया कि वो तब भी तो गिर सकता है, एंड कट इज नी और उसके घुटने पे कट हो गया। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन एक्सीडेंट, उसने इस तरह की जो इंसिडेंट इस तरह की जो घटना थी उसको रिकॉल करने का प्रयत्न किया, उसको स्मरण करने का, उसको याद करने का प्रयत्न किया। रिकॉल रिकॉल होता है स्मरण करना, याद करना, ट्राइड प्रयत्न करना, बट कुड नॉट परंतु नहीं कर सका वो याद। देन तब बेपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब बेपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा सडनली अचानक से। द मैन हैड सेड, आदमी ने कहा था कि दिनेश वाज इन रांची, कि दिनेश रांची में था एट सेम टाइम उस समय पर। द बेस्ट थिंग श्योरली निश्चित रूप से अच्छी चीज होगी वुड बी टू आस्क हिम, उसे पूछ लेना एक अच्छी चीज होगी निश्चित रूप से। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंदम स्ट्रीट, बेनिंदम गली में बहुत ही नज़दीक वो रहता था। वट अबाउट गोइंग राउट नाउ राइट नाउ, अभी जाना ठीक होगा। बट देन परंतु तब, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, और यदि वह वास्तव में कभी भी रांची नहीं गया, वट वुड दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा, थिंक सोचना, इफ बेपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, यदि बेपिन बाबू कन्फर्मेशन के लिए एक पुष्टि के लिए ये पूछता है, पुष्टिकरण के लिए या पुष्टि के लिए ये पूछता है, तो दिनेश क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली होता है संभवतः, वह संभवतः कंक्लूड निष्कर्ष निकालेगा, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, वह संभवतः निष्कर्ष निकालेगा, बेपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, गोइंग नट्स मतलब गोइंग क्रेजी, पागल होना, वो ये निष्कर्ष निकालेगा कि बेपिन बाबू पागल हो गया है। क्लियर, नो नहीं, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, रेडिकुलस होता है हास्यप्रद, हास्यप्रद कि ये एक हास्यप्रद होगा ये चीज पूछना, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, उससे पूछना एक हास्यप्रद होगा। क्लियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, जो बाकी का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।